सुनहरी नदी का राजा। एक गरीब मछुआरा अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ नदी के एक किनारे झोपड़ी में रहता था। वह परिवार इतना गरीब था कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी ना था। हर रोज मछुआरा मछली पकड़ने नदी में जाता, लेकिन उसके जाल में कोई मछली नहीं फंसती थी। शाम को उदास और हताश होकर वह घर की ओर लौट आता था। एक दिन सुबह मछुआरा अपना भाग्य आजमाने के लिए पुनः घर से निकला। बहुत प्रतीक्षा के बाद उसे प्रतीत हुआ कि उसके जाल में कोई चीज फंस गई है। उसने जैसे ही जाल खींचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। जाल में एक सुनहरी मछली आ गई थी। इससे पहले कि वह खुश होता, मछली रोते हुए कहने लगी, कृपया मुझे वापस पानी में डाल दो, मैं मरना नहीं चाहती। मछुआरे को उस पर दया आ गई। अपने भूखे परिवार के बारे में ना सोचते हुए उसने मछली को छोड़ दिया। मछली बहुत खुश हुई और बार बार अपनी पूंछ को इधर उधर हिलाकर उसे धन्यवाद देने लगी। उस रात परिवार ने अपने लिए चावल उबालकर उसके पानी का सेवन किया। वह खाना खाने बैठे ही थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने देखा कि एक भूखा और थका हुआ बूढ़ा आदमी उनके दरवाजे पर खड़ा था। मछुआरे के परिवार ने उसका स्वागत किया, उसे खाने को चावल का सूप दिया तथा सोने के लिए एक चटाई दी। अगली सुबह वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी राह चला गया। इधर मछुआरा फिर एक बार जाल उठाकर मछली पकड़ने चल दिया। इस बार पुनः वही सुनहरी मछली उसके जाल में आ फंसी। मछली ने अपने जीवन के लिए याचना की और मछुआरे ने उसे फिर छोड़ दिया। निराश मछुआरा अपने घर की ओर जाते हुए सोचने लगा कि वह अपनी पत्नी और बच्चों से क्या कहेगा। तभी उसका रास्ता राजसी वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति ने रोका। उस व्यक्ति ने मछुआरे से बोला, मैं इस सुनहरी नदी का राजा हूँ। तुमने मुझे दो बार छोड़कर अपनी दयालुता दिखाई है। यही नहीं, एक बार बूढ़ा आदमी बनकर मैं ही तुम्हारे घर आया था और तुमने मुझे अपने हिस्से का खाना दिया और सोने के लिए जगह भी दी। मछुआरा भौचक्का सा उसे देखता रहा। वह आदमी आगे बोला, मैं एक श्राप के कारण मछली बन गया था और इस श्राप से मुक्ति मुझे तभी मिलती जब कोई दयावान व्यक्ति मेरे ऊपर दया करता। तुम्हारी सहदयता ने मुझे मेरा मानवीय रूप वापस दिला दिया। सुनहरी नदी के राजा ने मछुआरे को खुश होकर बहुत से जेवर, उपहार और रहने के लिए एक घर दिया। राजा ने मछुआरे को मछलियों की रक्षा करने के लिए एक सुनहरी नदी का पहरेदार बना दिया। अब वह परिवार गरीब नहीं रहा और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगा। कथासार, परोपकार ही सर्वोच्च धर्म है।